ठीक है, सेफ्टी यानी सर आपका सावधानी और होम यानी घर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है सेफ्टी एट होम। अब हमको हमारे घर पर क्या रखना चाहिए, सेफ्टी। कैसे, क्या होता है, ऐसी बहुत सारी थिंग्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, बट हमको उनको कैसे यूज करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल। देन क्या करती है, वी गेट अवर सेल्फ हर्ट, हमको वो हर्ट कर सकती है। तो सेफ्टी एट होम में देखिए, डू नॉट लीव योर टॉयज बैग शूज ऑन द फ्लोर। ठीक है, हमको ये सब सामान फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए। समवन कुड ट्रिप ओवर देम, क्या हो सकता है, कोई भी उस पर स्लिप या फिसल सकता है। नेवर रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेप्स, और सीढ़ियों पे या जीनों पे क्या नहीं करना चाहिए, अप एंड डाउन बार बार नहीं करना चाहिए। मे फॉल डाउन, आप इससे क्या हो सकते हो, गिर सकते हो, गेट हर्ट और आपको लग सकती है। डोंट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट, और कोई भी मेडिसिन हमारे बड़े से पूछ कर ही खाना चाहिए। ठीक है, उनके उनके बिना नहीं खाना चाहिए। क्या हो सकती है, हमको मेडिसिन रिएक्शन भी कर सकती है। अवॉइड डोंट प्ले विद शार्प थिंग्स, और हमको क्या शार्प थिंग्स से नहीं खेलना चाहिए, सीजर नाइफ ब्लेड। ठीक है, ये भी हमको हर्ट कर सकती है। कीप अवे फ्रॉम द गैस सिलेंडर इन द किचन, हमको किचन में गैस सिलेंडर से कहाँ रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेवर गो नियर द फायर, और फायर के पास नहीं जाना चाहिए आपके पास। हमको क्रैकर्स लैंप दिया इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विच प्लग्स गैजेट्स विद बैड हैंड, हमको इलेक्ट्रिक स्विच प्लग्स वगैरह को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। मे बी इलेक्ट्रिक शॉक पर हमको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये तो कुछ सेफ्टी एट होम, अब पढ़ते हैं सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में क्या सावधानी रखना चाहिए, कीप यूर बैग्स एंड बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस, हमको एक करेक्ट प्लेस पर क्या रखना चाहिए, हमारा बैग और बॉटल हर कहीं नहीं रखना चाहिए। डोंट क्लाइम ऑन द डेस्क, और डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। डोंट हिट टीचर द कोई किसी को धक्का नहीं देना है। यूज अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल, और पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर का ही यूज करना चाहिए। ड्यूरिंग द ब्रेक हमको क्या नहीं करना चाहिए, एक बोल बॉल बॉल से नहीं खेलना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, हमको लग सकती है। और बनाना जो पील्स होती है और जो पेंसिल की शार्पनर करती है, जो पील होती है, उसको हमको कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सेफ्टी बाय ट्रैवलिंग बाय बस, अब क्या होता है, हमको उसमें से सावधानी रखना चाहिए जब हम बस से ट्रेवल करते हैं। डू नॉट गेट इनटू अ गैप ऑफ अ मूविंग बस, हमें चढ़ती चलती हुई बस से ना ही चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। डोंट पुट आउट योर हैंड और हैड अ ब्रोकन बस, और हमको क्या करना चाहिए, हमारे हाथ और सर को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए, बस की खिड़की से। ठीक है, डोंट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर बाय मूविंग ड्राइवर, और बस ड्राइवर को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो क्या कर रहा हो, ड्राइविंग कर रहा हो। ठीक है, और बस का इंतजार किसने करना चाहिए, इनर क्यूबिक लाइन में खड़े होकर। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर क्या सावधानी रखना चाहिए, और बस क्लोज द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड को जेब्रा क्रॉसिंग से क्लोज करना चाहिए। देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस द रोड बाय लुकिंग टू योर राइट लेफ्ट एंड राइट साइड अगेन, क्या करना चाहिए, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ना, तो हमको हमारे लेफ्ट राइट देखनी चाहिए, फिर अगेन हम राइट साइड देखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। व्हेन एनी व्हीकल्स नॉट कमिंग, ठीक है, और रोड एक बार कब क्रॉस करना चाहिए, जब व्हीकल्स नहीं आ रहे हो। ठीक है, यू आर इन अ व्हीकल देन क्रॉस द रोड सिग्नल इज ग्रीन, क्या हो जब आप गाड़ी के अंदर, ठीक है, व्हीकल हो आपके साथ, तो हमको कब गाड़ी क्रॉस करना चाहिए, जब सिग्नल कैसा हो, ग्रीन हो। ऑलवेज यूज हेलमेट ड्राइविंग अ टू व्हीलर, क्या होता है, जब भी हम टू व्हीलर से क्या करते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हमको इसका यूज करना चाहिए हेलमेट का। यूज इट वेल द व्हाइल सिटिंग इन अ कार, जब हम कार से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमको इसका यूज करना चाहिए सीट बेल्ट पर। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, अब क्या रखना चाहिए, सेफ्टी प्लेग्राउंड में ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। विच एवर गेम यू प्ले, आप जो भी गेम खेल रहे हो, डोंट हिट अदर द बैट अ बॉल और एनीथिंग, और किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए बैट से और बॉल से, कैन कॉज इंजरी। ठीक है, ये किसका कारण हो सकती है, इंजरी का, बैट वर्ट करना, हमेशा हमें हमारी डर का इंतजार करना चाहिए। फर्स्ट एड टू गिव फर्स्ट एड बिफोर द डॉक्टर अराइव गिवन टू अन इंजर्ड पर्सन,
वर्ल्ड फर्स्ट एड एक ऐसी है जो डॉक्टर से पहले किसी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है, उसको क्या कहते हैं फर्स्ट एड। समवन गेट्स हर्ट रिमेंबर दिस थिंग, जब कोई हर्ट हो जाता है किसी चीज से तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अवॉइड क्राउडिंग अराउंड द इंजर्ड पर्सन। सबसे पहले भीड़ कम करना चाहिए, डोंट पैनिक स्टे काम, और उसको रहना चाहिए वो पैनिक ना हो, उसको स्टे काम होना चाहिए, मेक द पर्सन फील कम्फर्टेबल, और जो पर्सन इंजर्ड हुआ उसको कैसा फील करवाना चाहिए कम्फर्टेबल। क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक, उसके घाव को अच्छे से साफ करके क्या लगाना चाहिए एंटीसेप्टिक। टाई द ब्लीडिंग पार्ट, और उसको जहाँ से ब्लीडिंग लग रहा है उस पार्ट को अच्छे से क्लॉथ से या हैंडकरचीफ से टाई कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। इफ अ पर्सन बर्न्स प्लेस सम आइसोलेशन वाटर ऑन द बर्निंग पार्ट, जब कोई इंसान क्या होता है थोड़ा सा जल जाता है तो उसके घाव पर हमको आइसोलेशन वाटर रख देना चाहिए। कॉल फॉर हेल्प टू डॉक्टर, ठीक है कॉल करना चाहिए डॉक्टर को, कॉल करना चाहिए। वी शुड रिपीट फर्स्ट एड बॉक्स एंड वी आर हमेशा सबसे पहले क्या रखना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स हाथ में होना चाहिए। जैसे आपका लेसन मिला है हम सेफ्टी एंड, ठीक है सेफ्टी एट होम, तो इस चैप्टर की आपको लिविंग घर पर बैठकर अच्छे से करना है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को हमारे